तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो। तो गाइज, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे बना सकते हो इजीएस्ट रेड फार्म इन माइनक्राफ्ट पीई। तो जैसे कि आप देख सकते हो, इस रेड फार्म को बनाने के लिए आपको ये सारी चीज़ें चाहिए होंगी और आप इसको बहुत ही इजीली कलेक्ट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इजीली मिल जाएगी आपको। अब आपको क्या करना है, अपने ग्लास पेंस लेने हैं और अपने पिलेजर आउटपोस्ट के ऊपर आ जाना है सबसे टॉप फ्लोर पे। उसके बाद अपने ग्लास पेंस को लेके आपको 5 यहाँ पे प्लेस करने हैं और दोनों लॉक्स को कनेक्ट कर देना है ग्लास पेन से। अभी दिखा देता हूँ, लाइक दिस गाइस। तो आपको यही चारों तरफ कर देना है ऐसे ही, देख सकते हो, बिल्कुल ऐसे प्लेस करना है और इसको चारों तरफ मैं कर देता हूँ। जैसे ही आपने चारों तरफ कर दिया, इसको पिलेजर्स को मार देना है फिर आपको, क्योंकि पिलेजर से हमारे स्पॉन रेट कम हो जाएंगे, इसलिए हमको उनको मारना पड़ेगा। और मारने के बाद आप इसको भर दो पूरा ग्लास पेन से। इससे होगा कि हम जगह पता करेंगे कि कहाँ पे होते हैं हमारे पिलेजर्स स्पॉन। जैसे ही आपने ग्लास पेन्स को प्लेस कर दिया, उसके बाद यहाँ से आपको 30 ब्लॉक दूर चले जाना है और आप ब्लॉक लगाते लगाते जा सकते हो। उसके बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है, उसके बाद खुद ही पिलेजर स्पॉन हो जाएंगे उन ग्लास पेन्स के बीच में। आपको जाना है उसके पास और आपको करना क्या है, सारे ग्लास पेन्स को तोड़ देना है। और अगर आपके ये पिलेजर स्पॉन नहीं हो रहे हो तो मेक श्योर कि आपका मोड डिफ़िकल्टी पीसफुल पे ना हो रखा हो, वरना आपके कोई भी मॉब स्पॉन नहीं होगा खतरनाक वाला। उसके बाद आपको सारे वो तोड़ देना है ग्लास पेन्स, और 4 ग्लास पेन्स को रहने देना है जिसमें पिलेजर अपने ट्रैप रहेंगे और वहीं पे स्पॉन होते हैं पिलेजर, तो हम वहीं से उसका फार्म बनाएंगे। तो अब करना क्या है, आपको यहाँ पे आ जाना है और अपना एम्प्टी लोकेटर मैप लेना है। उसके बाद देख सकते हो ये राइट साइड है, तो ये क्या होगी, ये होगी गाइज जो ऊपर की साइड होगी नॉर्थ, और ये होगी साउथ, ठीक है गाइज, ये होगी साउथ और ये होगी गाइज ईस्ट। तो हमको साउथ ईस्ट ढूंढना है, तो ये होगी ईस्ट, तो आगे वाली जगह होगी ये होगी गाइज साउथ ईस्ट। तो हमको साउथ ईस्ट पे क्या करना है, यहाँ पे जाके हमको एक मार्क लगा देना है कॉपल स्टोन से या कोई से भी ब्लॉक से मार्क लगा दो, साउथ ईस्ट वाले ब्लॉक पे मार्क लगाना है। उसके बाद आपको ग्लास से इसको कवर कर देना है लाइक दिस, आपको ऐसे ही कवर करना है, 4 ब्लॉक इसके वो होंगे। उसके बाद आपको इसको 3 की हाइट दे देनी है, 3 की हाइट देने के बाद आपको लीव्स प्लेस करना है इन सब के ऊपर लाइक दिस। और आप इस पूरे प्लेटफॉर्म को, मतलब पूरा जहाँ पे रहते हैं ये पूरा फ्लोर को, आप लीव्स से वो कर सकते हो, वरना बाद में मैं आपको करना पड़ेगा। उसके बाद आपको 3 ब्लॉक तोड़ने हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर ऐसा नज़र आएगा आपको कुछ तो नहीं तोड़ना है, आपको उसको वापस बंद कर देना और फिर आपको पीछे से देखना है एक बार तोड़ के, 4 ब्लॉक होने चाहिए बेसिकली। और उसके बाद जैसे ही आपको ऐसा दिखेगा कि पिलेजर ऐसे खड़े हैं, तो तभी आपको क्या करना है, आपको 3 ब्लॉक प्लेस करना है लाइक दिस। उसके बाद आपको ये तोड़ देना है, ये गलती से प्लेस हो गया। उसके बाद आपको ये तोड़ना है और फिर आपको क्या करना है, इधर आ जाना है और एक यहाँ पे प्लेस करना है, फिर एक यहाँ पे प्लेस करना है और एक यहाँ पे प्लेस करना है। उसके बाद 2 यहाँ पे प्लेस करना है और 2 यहाँ पे, और आपको करना क्या, पूरी ये जगह है इसको कवर कर दो जो हमने बनाया है प्लेटफॉर्म। तो इसको कवर करने के लिए बस आपको ऐसे ब्लॉक प्लेस करना है और ऐसे ब्लॉक प्लेस करना है, उसके बाद आपको कुछ ऐसे ब्लॉक प्लेस करना है और इसको कॉबल स्टोन से रिप्लेस कर सकते हो स्टेयर्स को। उसके बाद आपको इसको बंद कर देना है, पूरा बंद नहीं करना है, नीचे से खुला होना चाहिए। उसके बाद आपको वाटर बकेट लेनी है, यहाँ पे प्लेस करनी है, एक बटन यहाँ पे प्लेस करना है, मेक श्योर कि आप पहले बटन प्लेस करो। उसके बाद आपको इधर आ जाना है नीचे, और नीचे आने के बाद आपको एक पिस्टन प्लेस करना है लाइक दिस। उसके बाद आपको कॉबल स्टोन लेना है, एक कॉबल स्टोन एक प्लेस करना है, फिर 2 कॉबल स्टोन प्लेस करना है। अगर आप ऐसे नहीं बनाना चाहते और आपका ये मतलब डायरेक्शन थोड़ी उल्टी पड़ रही है, तो आप, मैं बता देता हूँ आपको क्या करना है। तो आपको इसको तोड़ देना है, उसके बाद एक ग्लास लगा के एक स्मूथ स्टोन स्लैब लगा सकते हो या कोई सा भी स्लैब लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मैं बताते देता हूँ आपको क्या करना है, 4 ब्लॉक तोड़ने हैं यहाँ पे और 2 ब्लॉक और तोड़ने हैं और 2 ब्लॉक और तोड़ने हैं, और उसके बाद यहाँ पे आके आपको रेड स्टोन प्लेस करनी है एक, और फिर उसके बाद एक कॉबल स्टोन, फिर उसके बाद एक रिपीटर प्लेस करना है एक ब्लॉक लगा के, ओके। तो आपको इसको टिक नहीं देना बिल्कुल भी। उसके बाद आपको यहाँ पे एक लीवर प्लेस करना है लाइक दिस, यहाँ पे प्लेस करना है। उसके बाद एक रेड स्टोन टॉर्च, अब आपका पूरा रेडी है, अब आप इसको बंद कर सकते हो। अब आपको यहाँ पे एक कॉबल स्टोन प्लेस करना है, मेक श्योर कि आप पहले लीव्स प्लेस करके रखो क्योंकि हमें बाद में करनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पे एक ट्राइडेंट फेंक दो और आप इसको चालू कर सकते हो, मेक श्योर कि एक ही ट्राइडेंट हो, 2 की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे। और यहाँ पे एक रास्ता बना लो, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर बार तुम ट्राइडेंट कलेक्ट करो। आपको ये तोड़ना है ब्लॉक, उसके बाद आपको डायगनली जाना है, ठीक है गाइस, डायगनली जाना है
यहाँ पे ये वाले ब्लॉक पे, और यही वाला ब्लॉक होगा जहाँ पे अपना ट्राइडेंट मतलब वो मरेंगे पिलेजर्स के बॉस। तो आपको करना क्या है, ये तोड़ना है, यहाँ पे चेस्ट लगानी है, उसके बाद एक हॉपर लगाना है इससे अटैच्ड, उसके बाद इसको तोड़ो। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे रेल प्लेस करनी है, उससे पहले आपको ये कवर कर दो लाइक दिस, उसके बाद यहाँ पे एक रेल प्लेस कर दो माइनकार्ट विद हॉपर, इसको कवर कर दो कॉबल स्टोन से। कॉबल स्टोन से कवर करने के बाद आप इस चेस्ट को कभी भी वो कर सकते हो गाइज, खोल सकते हो। उसके बाद ये पूरा रेडी है, उसके बाद आपको करना क्या है, इधर आ जाना है, आपको 30 ब्लॉक ऊपर ले जाना है, ठीक है गाइज, 30 ब्लॉक प्लेस करते हुए ले जाना है ऊपर। तीस ब्लॉक ले जाने के बाद आपको वाइंस प्लेस करनी है पूरी जगह पे, 30 ब्लॉक्स के ऊपर, ये वाले लीव्स वाले, लीव्स के ब्लॉक्स होने चाहिए और कोई नहीं होना चाहिए, वरना आपके स्पॉन हो जाएगी रेड इस पे ही, फिर बोलना मत गाइज। तो आपको ऐसे प्लेस करना है 3 ब्लॉक्स, उसके बाद आपको 2 लीव्स के ब्लॉक ऐसे प्लेस करने हैं, और आपको करना क्या है, यहाँ पे 5 ब्लॉक प्लेस करना है। उसके बाद ये पूरा प्लेटफॉर्म को फिल कर देना है, यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ मैं, आपको पूरा प्लेटफॉर्म ये फिल कर देना और इसको बिल्कुल बराबर कर देना है लाइक दिस। और आपको इधर आ जाना है, इधर आने के बाद आपको 2 ब्लॉक छोड़ने हैं ऐसे, 1-2, और ये तीसरे ब्लॉक पे पिस्टन प्लेस करना है, फिर 1 ब्लॉक छोड़ना है, फिर यहाँ पे प्लेस करना है, फिर 1 ब्लॉक छोड़ना है, यहाँ पे प्लेस करना है, 1 ब्लॉक छोड़ो यहाँ पे प्लेस करना है। उसके बाद आपको ऑब्जर्वर लेना है, एक ऑब्जर्वर ऐसे प्लेस होना चाहिए यहाँ पे खड़े होकर, उसके बाद एक यहाँ पे खड़े होकर प्लेस होना चाहिए, उसके बाद एक यहाँ पे, और आपको ऐसी प्लेस करना है लाइक दिस, और कोई मतलब मुश्किल नहीं है, 8 ऑब्जर्वर्स चाहिए आपको इसके लिए, बस ऐसे प्लेस करना है। उसके बाद आप यहाँ पे लीवर लगा सकते हो एक, उसके बाद आपको एक ग्लास प्लेस करना है और स्लैब, और आप कोई सा भी ब्लॉक प्लेस कर सकते हो यहाँ पे, यहाँ पे आपको लीव्स प्लेस करने की ज़रूरत नहीं है, वो बाद में करना है आपको। आप इसको बंद कर दो और एक लेयर इसको और दे दो ऊपर से, लेयर देने के बाद आपको करना क्या है कि आपको और लेयर देनी है इसको, एक और लेयर देनी है, बिकॉज कि रेवेंजर्स जो होते हैं ना वो बाहर निकल सकते हैं, वो कभी भी एस्केप कर सकते हैं और आपको मार सकते हैं गाइस, तो इसलिए आप इसको करना है। तो जैसे ही आपने इसको कर लिया, आपको एक और लेयर दे देनी है यहाँ से, ठीक है, बहुत ही ईजी है गाइस, आपको यहाँ से लेयर दे देनी है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपको ऊपर की तरफ आना है इसके, और यहाँ पे ट्राइडेंट फेंकना है, उसके बाद 2 बार इसको फ्लिक करना है लीवर को, एक और बार कर दो, उसके बाद ये चालू हो जाएगा इन्फिनेटली। अब आप इसको बंद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बंद करने के बाद आपको करना क्या है, आप नीचे देख सकते हो, आपको 4 ब्लॉक प्लेस करना है यहाँ पे, और आप 3 ब्लॉक प्लेस करके जो भी प्लेस कर रहे थे वो तोड़ दो, और अब आपको 3 ब्लॉक प्लेस करना है आगे की तरफ लाइक दिस। जैसे ही आपने 3 ब्लॉक प्लेस कर दी, आपको चेस्ट लगानी है यहाँ पे, एक हॉपर लगाना है इसके ऊपर, उसके बाद आपको एक ब्लॉक से ऊपर जाके आपको माइनकार्ट लगा देनी है रेल के बाद। अब आप इसको कवर कर सकते हो लीव्स से, ठीक है गाइज, आपको लीव्स से कवर करना है। ओके, मैंने गलत कर दिया, कोई बात नहीं, आपको लीव्स से करना है गाइज कवर इसको लाइक दिस। आप ये ब्लॉक्स तोड़ सकते हो, आपको कोई ज़रूरत नहीं है इन ब्लॉक्स की। उसके बाद आपको करना क्या है, अब आपकी मर्जी है कि कितना आप इसको बढ़ा सकते हो नीचे। वैसे मैं बता रहा हूँ कि भाई इसको जितना बढ़ाना है ना इस चेस्ट रूम को, मतलब जितना स्टोरेज को बढ़ाना है बढ़ा लो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आती हैं भाई एक ही बार में, तुम्हारा पूरा चेस्ट भर जाएगा। मैंने खुद यार इसको यूज़ करा भाई, झूठ नहीं बोल रहा भाई, सच्ची में ये आ जाता है, मतलब बहुत सारा एक ही बारी में आपकी एक चेस्ट फुल हो जाएगी। तो आपको ऐसे प्लेस करते जाना है, जितना बढ़ाना है आप बढ़ा सकते हो इसका स्टोरेज, आपको ऐसे प्लेस करते जाना है बस। और आप 2 हॉपर भी लगा सकते हो, बट मैं मतलब आप 4 हॉपर भी लगा सकते हो, मैंने बस 2 लगाए हैं। और लास्टली आपको यहाँ पे प्लेस करना है 2 चेस्ट और यहाँ पे 2 चेस्ट, आप इसको कितना भी बड़ा कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। मैं तो बोल रहा हूँ गाइस जितना बड़ा करना चाहते हो करो, और बहुत ज़्यादा करना है इसको बड़ा, नीचे तक पहुँचा दो भाई। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि आपको यहाँ पे एक लेयर और प्लेस करनी है कोई से भी स्टोन की, कोई सा स्टोन होना चाहिए, कुछ भी हो जाए, बट आपको कोई से भी ब्लॉक प्लेस कर देना है। उसके बाद आपको 18 ब्लॉक इसमें ऐड करने हैं, ठीक है, 18 ब्लॉक ऐड कर दो गाइस इसमें, और चारों मतलब जो पूरी ये है ना
पूरा जो ये है ट्यूब जी, इसको ऊपर तक ले जाओ लाइक दिस। और 18 ब्लॉक्स जब आपने प्लेस कर दिया ऐसे चारों तरफ, आपको यहाँ पे 8 ब्लॉक प्लेस करने हैं, ठीक है 8 ब्लॉक। अब आपको इधर आना है, इधर आने के बाद आपको 8 ब्लॉक फिर से प्लेस करने हैं। 8 ब्लॉक प्लेस करने के बाद आपको पूरा ये एरिया जो है वो फिल कर देना है अपने सॉलिड ब्लॉक से। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो मैंने सॉलिड ब्लॉक से प्लेस तो कर दी। अब आपको करना क्या है यहाँ पे, ये बस इसको कवर कर देना है एक लेयर से। एक लेयर से कवर करने के बाद आपको स्टेयर्स चाहिए कोबलस्टोन की। अब आप इसको ऐसे प्लेस कर सकते हो लाइक दिस, क्योंकि जो वो होती है ना स्टेयर्स, शायद उससे फ्रीज नहीं होते हमारा वाटर। और देख सकते हो बादलों के ऊपर हूँ तो भाई फ्रीज बहुत आसानी से हो सकता है बादलों के ऊपर, बट स्टेयर्स लगाने से क्या होता है वो पानी फ्रीज नहीं होता। आपको यहाँ पे भी बस सॉलिड ब्लॉक्स की वो दे देनी है लेयर, उसके बाद यहाँ पे आके दो ब्लॉक प्लेस करने हैं और पूरी दो ब्लॉक पूरी मतलब लेयर चढ़ा देनी है उसके ऊपर। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो मैंने स्टेयर्स के ऊपर दो लेयर चढ़ा दी सॉलिड ब्लॉक्स की। उसके बाद आपको यहाँ पे लीव्स लगा देने हैं चारों तरफ, तो देख सकते हो मैंने लीव्स तो लगा दी। उसके बाद आपको वाटर बकेट लेनी है और यहाँ पे प्लेस करनी है स्टेयर्स में। स्टेयर्स में क्या होता है कि ये मतलब सीधा वहाँ पे पहुँचा देगा आप, मतलब जो भी वो स्पॉन होंगे ना पिलेजर, उसको नीचे पहुँचा देगा इस होल में, ठीक है। और नीचे जाके वो मरेंगे और हमको मिलेंगी चीज़ें। तो अभी आपको करना क्या, यहाँ पे लीव्स प्लेस करने हैं। इससे क्या होगा कि यहाँ पे रेड स्पॉन नहीं होगी। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको करना क्या है कि रेड को ऐसा बनाना है कि ऊपर ही स्पॉन होए, तो नीचे आपको लीव्स लगा देने हर जगह पे जहाँ पे भी आपको मिले। और आपको करना क्या है, यहाँ पे 8 ब्लॉक प्लेस करना है, ठीक है 8 ब्लॉक प्लेस करना है। उसके बाद एक ब्लॉक यहाँ पे प्लेस कर दो। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि यहाँ पे एक बेड प्लेस करना है और 3 ब्लॉक ऐसे प्लेस करने हैं यहाँ पे। लीव्स के होने चाहिए, ठीक है ये वाले जो ब्लॉक होने चाहिए वो लीव्स के होने चाहिए यहाँ पे। फिर ऐसे लीव्स प्लेस करने हैं और मेक श्योर कि आप बिल्कुल ऐसे ही करो। और मैं आपको बता दूंगा कि क्या करना है आगे लाइक दिस। और अब आपको रात होने का वेट करना है। रात होने के बाद आपको एक विलेजर ले आना है यहाँ पे। और रात होने के बाद जैसे वो आएगा विलेजर यहाँ पे, तो वो बेड से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही वो बेड से कनेक्ट हो, जैसे ही वो बेड से कनेक्ट हुआ वो सोने के लिए चले जाएगा। जैसे ही वो सो जाएगा ना, यहाँ पे दो ब्लॉक प्लेस कर दो। और आप सोच रहे होगे भाई वो सफोकेट करेगा ये वो, मैंने भी पहले सोचा था, बट वो सफोकेट नहीं करेगा क्योंकि लीव्स में सफोकेट नहीं करता कोई भी, मतलब उसको कुछ नहीं होगा लीव्स में अगर उसका सर भी फंस जाए विलेजर का। आपको करना क्या है, ये पूरा जो एरिया है ना, पूरा विलेजर्स का पूरा एरिया है ये ऊपर का, रूफ को पूरी भर देना है लीव्स से लाइक दिस। आपको ये भरने के बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको इसको 3 ग्लास और प्लेस करने हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लीव्स 3 ग्लास यहाँ पे और लीव्स 3 ग्लास यहाँ पे और लीव्स, और लास्टली 3 ब्लॉक यहाँ पे और लीव्स, ठीक है। आपको अब करना क्या है, यहाँ पे फेंसेस हटा देने चारों तरफ के, ठीक है सारे तरफ के फेंसेस हटा देने। और ये वॉल जो लगी हुई है ना, ये वाली भी हटा देनी है। ये हटाने के बाद आपको करना क्या है, सारी जगह पे मतलब पूरा ये जो एरिया है यहाँ पे पूरा फिल कर देना है आपको लीव्स से, ठीक है। तो मिलता हूँ लीव्स को फिल करके। तो जैसे ही आपने लीव्स को ऊपर फिल कर दिया, आपको ये भी फिल कर देना है लीव्स से, क्योंकि यहाँ पे भी स्पॉन हो सकती है रेड। और जहाँ पे भी आपको एरिया दिखे कि हाँ यार ये थोड़ा पास में है रेड फार्म के और इसको फिल करना चाहिए, तो वहाँ पे फिल कर दो लीव्स को। उसके बाद आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पे आने के बाद ये तोड़ देना है ग्लास पेन्स लाइक दिस। जैसे आप तोड़ दोगे आपको इसको नीचे धक्का दे देना है, या तो आप मार भी सकते हो। उसके बाद यहाँ पे एक ग्लास प्लेस कर देना है। ये ग्लास क्या करेगा कि धक्का मारेगा, मतलब जो भी वो स्पॉन होगा ना पिलेजर, उसको धक्का मार देगा नीचे, फिर वो मरेगा, फिर हमको क्या होगा बैड ओमेन का इफेक्ट लगेगा, फिर रेड स्पॉन होगी सबसे ऊपर जो हमने बनाया था एक प्लेटफॉर्म। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इसको यूज़ कैसे कर सकते हो। आपको यूज़ करने के लिए आपको नीचे जो लीवर जो हमने लगाया था उसको चालू कर देना है नीचे वाले, और आपको पीसफुल पे कर देना है। और ऊपर आने के बाद आपको थोड़ा वेट करना है, हार्ड मोड पे लगा देना है, ठीक है। हार्ड मोड पे लगाने के बाद आपको इसको ऑन कर देना है, ठीक है गाइस। हार्ड मोड पे जैसे ही लग जाएगा ना आपका वो, और मेक श्योर कि नीचे आप ना
लीवर, नीचे वाले लीवर ऑन करके आओ, और हार्ड मोड पे ही होना चाहिए, ठीक है आपका वो डिफ़िकल्टी। तो जैसे ही देख सकते हो आपका ना बैड ओमेन लग जाएगा और खुद ही रेड आपके मतलब लग जाएगी आपके रेड, उसके बाद आप नीचे मरने लग जाएंगे खुद ही जैसे आप लीवर यहाँ का स्टार्ट करोगे। और मेक श्योर कि आप लूटिंग 3 वाली वो पकड़ के रखोगा इस स्वॉर्ड, क्योंकि लूटिंग 3 की जो स्वॉर्ड होती है ना वो बहुत ज़्यादा लूट देती है, मतलब इंटू 3 टाइम आपको अच्छी लूट्स मिलेगी। और अगर आप खाली हाथ ऐसी वो यहाँ पे खड़े रहते हो तो गाइस इतनी अच्छी लूट नहीं मिलेगी। तो जैसा कि आप देख सकते हो कितनी अच्छी लूट मिली है, एमरल्ड्स देख सकते हो, गन पाउडर भी है इसमें, और बहुत सारी वो है इंचेंटेड बुक्स वो भी है गाइस, एक्स भी है, और बहुत सारी चीज़ें हैं गाइस। तो मेक श्योर कि आप इसको अपने वर्ल्ड में ज़रूर बनाओ। तो आई थिंक यू लाइक दिस वीडियो, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में।